आज हम लोग बात करेंगे 13 बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन फॉर ब्लॉगर्स के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, वेब होस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में जो कि ब्लॉगर्स के लिए, कंटेंट राइटर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। ये आपके टाइम बचाएंगे, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करेंगे, आपके रिसर्च प्रोसेस में हेल्प करेंगे, आपको अच्छा कॉन्टेंट लिखने के लिए हेल्प करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेंगे एंड आपके जो मनी जनरेशन प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर आपका जो कंटेंट है वो अच्छा रहेगा बाकी सबसे, तो डेफिनेटली यू विल मेक सम मोर मनी आउट ऑफ इट। एंड ये कुछ एक्सटेंशन्स हैं जो मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो 13 एक्सटेंशन्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको और एक्सटेंशन्स के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारी ब्लॉग पोस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे और एक्सटेंशन्स मिल जाएंगे आपको, सबके लिंक्स मिल जाएंगे। एंड जो भी कुछ नए एक्सटेंशन्स के बारे में मुझे पता चलेगा वो सारे ऑटोमेटिकली ब्लॉग पोस्ट पे अपडेट हो जाएंगे। तो अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द ब्लॉग पोस्ट। अभी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। सो जो हमारे पास सबसे पहला एक्सटेंशन है वो है पॉकेट। पॉकेट हेल्प करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए एंड देन उसको आप लोग वापस से बाद में रीड कर सकते हो, मोबाइल पे रीड कर सकते हो, आईपैड पे रीड कर सकते हो। तो रिसर्च प्रोसेस के लिए ये काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है। इट इज़ बैक्ड बाय मोजिला और जो फायरफॉक्स है उनकी टीम जो है इसको बैक कर रही है एंड प्राइवेसी भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हम लोग इसको अब यूज़ करके देखते हैं। सीधे मैं चलता हूँ, ये रहा मेरा आर्टिकल एंड इस पर मैं पॉकेट का यूज़ करता हूँ। पॉकेट ये रहा एक्सटेंशन, पॉकेट ये सेव हो रहा है। इस पर मैं कोई भी टैग डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशंस, ये मैंने टैग डाल दिया है। तो मैं टैग से उसको बाद में सॉर्ट कर सकता हूँ। माय लिस्ट पे चले जाएंगे हम लोग तो जो भी सेव किए हैं मैंने आर्टिकल्स वो मुझे मिल जाएगा। आर्टिकल्स भी सेव कर सकता हूँ मैं, वीडियोज़ को भी सेव कर सकता हूँ। ये रहे मेरे सेव्ड सारे एंड इसको अगेन किसी भी डिवाइस पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ऑल टैग्स पे जाता हूँ ताकि जो भी मेरे टैग्स है उसके थ्रू मैं यहाँ पर इसको सॉर्ट कर सकूँ। कॉन्फ्रेंस पे चले जाते हैं तो ये कॉन्फ्रेंस वाले मेरे आर्टिकल्स आ गए जो मैंने सेव करके रखे थे इस पे। तो अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं अलग अलग वेबसाइट से आर्टिकल सेव कर सकता हूँ एंड देन बाद में जब भी मुझे टाइम मिले मैं उसको रीड कर सकता हूँ। तो ये रहा एंड इसकी एक और खास बात है कि ये जो है ये रीडेबल वर्जन में मुझे बता रहा है। तो जो मेरी वेबसाइट है ये उसका ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है, तो जो भी साइट का क्लटर रहता है वो निकल जाता है। तो जो न्यूज़ वेबसाइट रहती है जहाँ पे क्लटर है, काफ़ी एड्स वगैरह हैं, तो वो सब यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो काफ़ी इजी टू रीड ये हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सटेंशन फॉर रिसर्च इज पॉकेट। नंबर टू इज उबर सजेस्ट। ये आता है नील पटेल के थ्रू। नील पटेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजिटल मार्केटर SEO गाय आउट देयर। काफ़ी पुराने हैं एंड उन्होंने ये एक टूल बनाया है उबर सजेस्ट फॉर SEO। तो जो इसका क्रोम एक्सटेंशन है वो क्या करता है हम लोग सीधे उसकी बात करते हैं। फ्री में मिलता है ये, फ्री भी है इसका पेड वर्जन भी। अभी हम लोग फ्री वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ तो एक ओवरव्यू दे देता है आपको वेबसाइट का। ये अपनी आपकी भी वेबसाइट हो सकती है, दूसरे की भी वेबसाइट हो सकती है, किसी भी वेबसाइट पर इसको रन किया जा सकता है एंड कितने कीवर्ड्स हैं, कितने कीवर्ड्स लिए वो वेबसाइट रैंक कर रही है, क्या उसकी ट्रैफिक है मंथली, कितनी उसकी डोमेन अथॉरिटी है। तो एक बेसिक ओवरव्यू दे देता है एंड देन कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक पे अगर आप क्लिक करोगे तो बता देगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए ये वाला ब्लॉग रैंक्ड है एंड बैकलिंक्स के बारे में बता देगा कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं। तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाती है फ्री में। अच्छा है अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस एक्सटेंशन। थर्ड जो है मेरे पास वो है कीवर्ड सर्फर। ये आता है सर्फर SEO की तरफ से एंड ये एक्सटेंशन वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करता है लेकिन जिस पर्पज़ के लिए मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ वो रहता है वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम मीन्स कि वो कीवर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बेस्ट क्लाउड स्टोरेज। मुझे देखना है कि ये कीवर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है, कितनी बार लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज़ अराउंड 2400, मीन्स अराउंड 2500 लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं महीने में, इसके बारे में सर्च कर रहे हैं बेस्ट क्लाउड स्टोरेज के बारे में इंडिया के अंदर। और ये आपको यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स भी देता है, ये रहा, एंड उसकी वॉल्यूम भी दे देता है। इसकी खास बात यह है कि ये अनलिमिटेड है, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। फ्री में आपको अनलिमिटेड वॉल्यूम शो कर सकता है, ओबर सजेस्ट में यहाँ पे लिमिट मिलेगी। ये जो है ये ओबर सजेस्ट की है, ये यहाँ पर सर्फर SEO की। तो ओबर सजेस्ट में लिमिट है, सर्फर SEO में कोई लिमिट नहीं है। एंड थर्ड जो है हमारे पास, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ वन इज़ ग्रामरली। ग्रामरली आपको पता ही होगा अगर अभी तक आपने, अगर आप लोग कंटेंट राइटर हो तो ग्रामरली तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो ये एक ऐसा एक्सटेंशन है, एक ऐसा टूल है जो कि आपको बेटर ग्रामर, बेटर राइटिंग स्टाइल लिखने में आपको हेल्प करेगा। ये एक राइटिंग ऐप है ये एंड फ्री में काफ़ी अच्छा है। पेड वर्जन की तरफ देख रहे हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो है प्रो राइटिंग एड। अगर आपको लाइफ टाइम पेड वर्जन चाहिए तो
प्रो राइटिंग 8 की तरफ देख सकते हो, उसका रिव्यू मैंने किया था, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर आप लोग मंथली देख रहे हो, अगर आपको मंथली कोई प्रो टूल चाहिए तो फिर ग्रामरली का मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, फ्री में भी अच्छा है, और जो उसका पेड वाला है मंथली सब्सक्रिप्शन के हिसाब से वो भी अच्छा है। फिफ्थ इज अ पासवर्ड मैनेजर। अगर आप लोग पासवर्ड मैनेजर नहीं यूज़ कर रहे हो तो दैट्स अ बिग मिस्टेक। कहाँ आप लोग अपने पासवर्ड्स को सेव कर रहे हो, ब्राउजर में सेव कर रहे हो, नोट पैड पर सेव कर रहे हो, सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड नॉट डू। पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करो, बिटवार्डन फ्री में काफ़ी अच्छा पासवर्ड मैनेजर है। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ डिटेल में, मैंने इसके वीडियोज़ भी बनाए हैं, लेट्स चेक दैट आउट। डिटेल में इसका आर्टिकल भी मिल जाएगा आपको, वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, तो जाके देख सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, अगर आपको और जानना है इसके बारे में। पेड ऑप्शन की बात करूँ तो वन पासवर्ड है, वन पासवर्ड पर्सनली मैं वन पासवर्ड ही यूज़ करता हूँ, और ये आपको 3 महीने के लिए फ्री में मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। लेकिन पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करो, बिटवार्डन इज़ रियली गुड, ओपन सोर्स है, सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, गो फॉर दिस वन, फ्री में काफ़ी अच्छा है। सिक्स्थ इज एड गार्ड एड ब्लॉकर। बहुत बार हम लोग ऐसी वेबसाइट विजिट करते हैं जिसमें खूब सारे पॉपअप्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई, तो उस टाइम पे ये वाला एक्सटेंशन आपके काम में आएगा। मैं इसका यहाँ पर यूज़ करता हूँ मोस्टली फॉर न्यूज़ वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूज़ वेबसाइट है एंड यहाँ पर जितने भी एड्स हैं वो ब्लॉक हो गए, पॉपअप ब्लॉक नहीं करें इसने, लेकिन एड्स ब्लॉक हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है, कुछ यहाँ पर आपको अपने एंड से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिसेंटली मैंने बेस्ट एड ब्लॉकर पर एक वीडियो भी बनाया था, वो वाला भी है वीडियो, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। सेवेंथ एक्सटेंशन इज कलर पिक आई ड्रॉपर। ये आपको कलर पिक करने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ब्लॉग है, मुझे इसके रिलेटेड कुछ इमेजेस बनानी है, तो आई वांट जो इसकी थीम है, जो मेरे जो इस ब्लॉग की थीम है, उसी कलर कोड का यूज़ करके मैं कुछ इमेज बनाऊं। तो इस कलर इस ये जो एग्जैक्ट कलर है, अगर मुझे ये जानना है तो आई कैन यूज़ दिस एक्सटेंशन। ये रहा ये वाला एक्सटेंशन है, मैं सीधे यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये जो है मुझे चाहिए ये वाला कलर, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये इसका आज भी कोड आ गया है, एंड आई कैन जस्ट कॉपी दिस एंड क्रिएट माई इमेजेस। नंबर 8 इज अ स्क्रीन शॉट टूल। अगर मुझे स्क्रीन शॉट्स लेने हैं, काफ़ी टाइम हमें स्क्रीन शॉट्स लेने पड़ते हैं, उसको थोड़ा बहुत एडिट भी करना रहता है, तो लाइट शॉट एक काफ़ी अच्छा टूल है। एंड सेकेंड इज ऑसम स्क्रीन शॉट। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर भी है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर आपको यूज़ करना चाहिए, अभी के लिए हम लोग स्क्रीन शॉट पर फोकस करते हैं। तो ऑसम स्क्रीन शॉट आपको स्क्रीन शॉट लेने में भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बैक टू दिस स्क्रीन, अभी फ़िलहाल मैं इसको हटाता हूँ, एंड ऑसम स्क्रीन शॉट ये रहा वो एक्सटेंशन, दिस वन, इसमें मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ और स्क्रीन शॉट भी ले सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे विजिबल पार्ट पे क्लिक करता हूँ एंड ये मेरा आ गया है, स्क्रीन शॉट ले लिया है इसने। उसके बाद मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं इस पर डायग्राम्स वगैरह बना सकता हूँ, कुछ नोट्स वगैरह कर सकता हूँ, हाईलाइट वगैरह कर सकता हूँ, ये सारे फीचर यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं। डन कर दूंगा एंड देन आई कैन डाउनलोड दिस ऑन माई सिस्टम, या फिर मैं इस पर अकाउंट बना करके इसको डायरेक्टली मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, उसका लिंक ले सकता हूँ, या फिर मैं इसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपने गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। नाइन्थ क्रोम एक्सटेंशन है हमारे पास हंटर। हंटर आपको हेल्प करता है ईमेल्स को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, मान लो pcmag.com है, मुझे वहाँ से ईमेल्स चाहिए लोगों के कि कौन इसका ऑथर है, सपोर्ट का क्या ईमेल है, तो क्योंकि वो बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक मीडिया हाउस की वेबसाइट है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स रहेंगे जिनको मैं रीच आउट कर सकता हूँ कोलाब्रेशन के लिए, बैकलिंक्स के लिए, या सपोर्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं रीच आउट कर सकता हूँ फॉर पार्टनरशिप्स। तो मैं देखूंगा कि कौन बेस्ट पर्सन रहेगा, अब कौन बेस्ट पर्सन रहेगा उसके लिए मुझे सारे आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे, कौन कौन वहाँ पर ऑथर है, क्या क्या उनकी ईमेल आईडीज़ है, बेस्ट तरीका क्या है, मैं हंटर जैसे एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा एंड वो ऑटोमेटिकली स्कैन करके मुझे बता देगा कि ये ऑथर्स है सपोर्ट के लिए, यहाँ से ये वाले ईमेल से कम्युनिकेशन के लिए वाले हैं, पार्टनरशिप के लिए वाले हैं, मीडिया के लिए ये पर्टिकुलर ईमेल्स हैं। तो इट्स रियली अ गुड एक्सटेंशन। फ्री वर्जन भी है इसका, पेड वर्जन भी है। फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस रहती है, मतलब मंथली आप लोग कुछ स्पेसिफिक अराउंड 25 सर्चेज ही कर सकते हो, और अभी फ़िलहाल इसने शायद से मुझे लॉग आउट कर दिया है फॉर सम रीज़न। इसने मुझे अभी फ़िलहाल लॉग आउट कर दिया है, लेकिन कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो कि जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर जाओगे, क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली जितने भी ईमेल्स हैं वेबसाइट के ऊपर वो आपको लिस्ट निकाल के दे देगा एंड यू कैन रीच आउट टू दोज गाइस। 10th एक्सटेंशन जो है वो है एक VPN। अब आप लोग पूछोगे कि VPN ब्लॉगर्स और कंटेंट राइटर के किस काम का हो सकता है, तो मैं VPN का इसलिए यूज़ करता हूँ एज अ ब्लॉगर एज अ कंटेंट राइटर, कि अगर मान लो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लिख रहा हूँ जिसकी मेरी टारगेट ऑडियंस है US की, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपनी VPN से लोकेशन सेट कर देता हूँ US की, देन आई विल गो टू गूगल, मैं उस कीवर्ड को डालता हूँ टू चेक कि US में क्या लोगों को सर्च रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
एक इससे मुझे प्रैक्टिकल रियलिस्टिक जो रिजल्ट्स रहते हैं वो मिल जाते हैं उस लोकेशन के, क्योंकि अगर मैं इंडिया से डालूंगा तो मुझे यहाँ पर लोकेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। यूएस में डालूंगा मैं जा करके यूएस की वीपीएन से, तो मुझे जो यूएस में टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स है वो दिखेंगे। तो दोनों में यहाँ पे काफ़ी फ़र्क होता है। तो अगर मैं यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं वीपीएन पर लोकेशन चेंज करूंगा, देन मैं वहाँ पे सर्च रिजल्ट पे जाके अपनी क्वेरीज डालूंगा एंड देन देखूंगा कि लोगों ने क्या पब्लिश किया है, उस हिसाब से मैं अपना यहाँ पर आर्टिकल बनाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक फ्री वीपीएन भी, मैं पर्सनली यहाँ पे पेड वीपीएन का यूज़ कर सकता हूँ, करता हूँ। फ्री वीपीएन विंडस्क्राइब है, बेस्ट फ्री वीपीएन का मैंने वीडियो भी बनाया था, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। विंडस्क्राइब आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसका क्रोम एक्सटेंशन भी है, तो उसको कैसे यूज़ करना है ये रहा विंडस्क्राइब। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे, लोकेशन से यहाँ पर ये जितनी भी है, यूएस की फ्री में है, कनाडा की फ्री में है एंड फ्रांस जर्मनी, तो कुछ लोकेशन यहाँ पे फ्री में है, यूएस के फ्री में है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यूएस के ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आई सेलेक्ट यूएस एंड देन शिकागो, ये वाला ये फ्री में है एंड ये मेरा वीपीएन कनेक्ट हो गया। तो अब मैं यहाँ से जाकर के सर्च करके देख सकता हूँ कि यूएस में लोगों को क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं ऑन गूगल एंड ऑन यूट्यूब। अभी फिलहाल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। 11th जो एक्सटेंशन है दैट इज़ माई फेवरेट, अगर ये मुझे एक्सटेंशन पहले मिल जाता तो मेरा बहुत टाइम बच जाता। रियली मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है इसके पीछे एज अ ब्लॉगर, एज अ वर्डप्रेस ब्लॉगर। अगर आप लोग वर्डप्रेस पे ब्लॉग्स बनाते हो तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ में हुई होगी कि आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है एंड देन एकदम से आपकी जो स्पीड है वो ड्रॉप हो गई है। फिर आपको पता चलता है यार कि इस प्लगइन के वजह से हुई है, यहाँ जो मैंने 2 महीने पहले इंस्टॉल किया था उस प्लगइन के वजह से हुई है। तो अगर ये वाला प्लगइन आप लोग यूज़ करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस प्लगइन का नाम है WP Hive। ये आपको बता देगा कि उस प्लगइन में कितनी रिसोर्सेज कंज्यूम हो रही है। ऑल यू हैव टू डू इज़ वो प्लगइन का पेज खोल देना है आपको एंड देन जैसे ही आप लोग जाओगे तो आपको राइट हैंड कॉलम पे दिखा देगा ये WP Hive इनसाइट, जहाँ पे बता देगा कि पेज स्पीड वगैरह पे कितना इंपैक्ट कर रहा है और जो इसका मेमोरी यूजेज है वो कितना है। रॉन्ग है मतलब ये थोड़ा ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, और बाकी जिस जिस पे राइट लिखा है मतलब ठीक है, ये अच्छा है। और इस पे मेमोरी यूजेज ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये ब्लॉक वाला प्लगइन है, तो मेमोरी यूजेज इस पे तो ज़्यादा रहेगा ही। और जो बाकी प्लगइन्स है फॉर एग्जांपल शेयर के बटन्स रहते हैं, बहुत बार हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, तो उस पे पेज स्पीड काफ़ी इम्पैक्ट करती है। को बहुत ही ऐसे कम प्लगइन्स है जिसपे पेज स्पीड ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। तो जैसे ये प्लगइन है इस पे पेज स्पीड इम्पैक्ट कर रही है, तो मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा ही नहीं। देन यहाँ पर एक और प्लगइन है जैसे कि ये है, इस पे भी पेज स्पीड इम्पैक्ट कर रही है। नाउ अगेन अगर मुझे इसके डिटेल्ड स्टैट्स देखने की कितना कर रहा है ये, तो यहाँ पर मैं चले जाऊँगा मोर इनसाइट्स के ऊपर एंड देन यहाँ पर आपको डिटेल्ड स्टैट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। लेट्स वेट, तो ये रहा प्लगइन, मैं यहाँ पे नीचे चले जाता हूँ एंड परफॉर्मेंस में मुझे दिख जाएगा कि ये मेमोरी यूजेज कितना कर रहा है। ठीक है मेमोरी यूजेज तो इसका कम ही है, लेकिन जो इसका पेज लोडिंग टाइम है दैट इज़ अराउंड 0.44 सेकेंड्स, और जो कि स्लोअर है कंपेयर टू 89% अदर प्लगइन्स। एंड नीचे आपको और भी बेंच मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। 12th जो प्लगइन है वो आपको हेल्प कर सकता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है तो उसमें कौन से प्लगइन्स का यूज़ किया गया है, कौन सी थीम्स का यूज़ किया गया है। क्योंकि अगर कभी कभार क्या होता है कोई एक फीचर रहता है जो हमें काफ़ी पसंद आ जाता है, जैसे जैसे किसी ने कुछ कमेंट बॉक्स यूज़ किया है हमें वैसा स्टाइल चाहिए, या फिर हमें जो उसने शेयर बटन यूज़ करे हमें वैसे चाहिए कि कौन सी स्क्रिप्ट उसने यूज़ करी, अगर वो पता चल जाए तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो वो है एक एक्सटेंशन दैट इज़ बिल्ट विथ टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर, इससे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी यहाँ पर थीम्स वगैरह का यूज़ किया गया है। तो जैसे ये है इस पे मैं चले जाता हूँ, दिस इज़ एक्सटेंशन, ये मेरी वेबसाइट है, तो यहाँ पे बता देगा कि एनालिटिक्स में क्या क्या यूज़ किया है मैंने, और कुछ विजिट्स जैसे WP रॉकेट का यूज़ किया है, रैंक मैथ का यूज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें बता देगा। एंड देन मैंने शेयर प्लगइन्स का यूज़ किया है तो वो भी यहाँ पर आ रहा है। एंड नीचे जाएंगे कंटेंट मैनेजमेंट में वर्डप्रेस है, इंजीनियरिंग सर्वर का यूज़ किया है, तो ये सारा आपको डिटेल में बता देगा। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है फॉर बिगनर्स, तो मैं आपको एक और एक्सटेंशन बता देता हूँ इसके ऑल्टरनेटिव में, वो है वेपलाइजर। वेपलाइजर पे आपको यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा कि कौन सा CMS है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस, एनालिटिक्स, ब्लॉग्स, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी एंड प्लगइन्स वगैरह कौन से यूज़ करें। तो दोनों में से कोई भी प्लगइन का यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब जो लास्ट एक्सटेंशन है दैट इज़ फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो है लूम। लूम के थ्रू आप लोग स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा रहा आर्टिकल, अब मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मुझे मान लो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजनी है, मुझे क्लाइंट को भेजना है, या मान लो मुझे मेरे राइटर को ही भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लूम पे चले जाऊँगा, ये रहा लूम, इस पर आपको फ्री अकाउंट बना लेना है, वो मेरा बना हुआ है।
एंड ये मेरा फ्री अकाउंट ही है। इसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, स्क्रीन एंड कैमरा चाहिए कि सिर्फ स्क्रीन ओनली चाहिए। लेट्स सेलेक्ट स्क्रीन एंड कैमरा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड देन दिस देन शेयर। तो ये अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ से जो भी मुझे मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू से कि ये जो है ये बटन आपका होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, या फिर जो भी मुझे करेक्शंस वगैरह भेजने हैं या कुछ फीडबैक वगैरह देना है तो वो मैं दे सकता हूँ कि ठीक है आपको यहाँ पे बटन ऐसे डालना है। लिंक्स यहाँ पर और भी लिंक्स आएंगे, वेबसाइट का लिंक आएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन का भी लिंक आएगा। तो आई कैन गिव सम मोर फीडबैक थ्रू वीडियोज़, या फिर मैं SOPs बना सकता हूँ। तो मतलब बेसिकली जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको करनी है वो आप लोग इस एक्सटेंशन के थ्रू कर सकते हो, लेकिन आपको फ्री में सिर्फ 5 मिनट ही मिलता है। बट इट इज़ रियली गुड फॉर शेयरिंग, अगर आपको शेयर भी करना है तो, अपने लिए बनाने हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे शेयर भी करना है इसको तो फ्री में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे अभी यहाँ पर मेरा अपलोड हो चुका है वीडियो, ऑटोमेटिकली ये मेरा वीडियो अपलोड हो गया है इनके क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। मुझे क्या करना है, अब सिर्फ मुझे इसको यहाँ पर शेयर कर देना है। शेयर का मैं बटन क्लियर रहा शेयर क्लिक कर दूंगा एंड देन ये रहा, यहाँ से मुझे कॉपी लिंक कर देना है। लेट्स ओपन एन इनकॉग्निटो विंडो, मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं सामने वाले को ये वाला लिंक शेयर कर सकता हूँ एंड द यूज़र्स कैन सी दिस वीडियो। उसको प्ले कर सकते हैं, इसकी स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं एंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो ये थे 13 प्लगइन्स जो मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर यूज़ करता हूँ। मेरा जो फेवरेट था वो था WP Hive। आपका कौन सा फेवरेट प्लगइन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, कौन सा प्लगइन है जो आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। एंड अगर आपको और प्लगइन्स के बारे में जानना है तो उसके लिए मेरा डिटेल्ड आर्टिकल आपको मिल जाएगा, सारे लिंक्स आपको उस आर्टिकल में मिल जाएंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उस आर्टिकल में मिल जाएगी। तो डू चेक दैट आर्टिकल एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।